लाल गांव थाना क्षेत्र ग्राम त्योला दो पक्षों को लेकर हुआ विवाद, जो रोजा अफ्तारी का चंदा मांगने सलाउद्दीन पुत्र सरदार चंदा मांगने अख्तर अली पुत्र रमजान अली ने कहा कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, मैं अपने बच्चे की दवा लेने सीतापुर जा रहा हूँ, वापस होने पर मैं आपको जो इच्छा होगी मैं चंदा दे दूंगा। इतने में इसरार ने कहा कि ये भिखारी चंदा क्या देगा, खुद के घर में खाने को नहीं है, और गाली भी दिया, जिसमें मोहम्मद इमरान पुत्र अख्तर अली ने कहा गाली मत दीजिए, चंदा शाम तक दे दिया जाएगा। तब तक सलाउद्दीन पुत्र सरदार के घर वाले इकट्ठे हो गए, जिसमें दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ गई और दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और इमरान को खींचकर उनके दरवाजे पर इमरान को मारने लगे। तभी बचाने के लिए उनका बड़ा भाई जुल्फीकार व उनके पिता अख्तर अली दौड़े, जिसमें इसरार ने उनके पिता को पकड़ लिया और मारने लगे। इसी बीच झड़प हो रही थी, तभी सलाउद्दीन अपने घर जाकर धारदार हथियार उठा के ले आया और बार कर दिया, जो हथियार अख्तर अली के लग गया, जिसमें वो काफी घायल हो के जब गिर गए तो उन पर लाठी डंडों से वार किया। पिता को बचाने के लिए उसकी पुत्री दाकलून दौड़ी, उस पर भी वार कर दिया गया, जिसमें उसकी हाथ की उंगली फट गई, जिसमें इसरार के परिवार में सभी को मिलाकर के 12 लोग हैं। सभी लोगों ने आकर के अख्तर का घर घेर कर के अख्तर के परिवार वालों को मारा पीटा, जिसने अख्तर व इमरान काफी चोटिल हो गए। सीतापुर से राम सागर पाल की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। अख्तर अली, पिता का नाम रमजान अली, कहाँ रहते हो? ब्लॉक ब्लॉक विवाद हुआ है चंदा को, चंदा मांगा आए रहे तो उनका पैसा हमें से ना है, देखो हम दवा ले जाता ना, हमारे पैसा दे रहे पैसा मिले ना, हमें लगे क्या करे, फोन आ रहा है सामने है वो का हम ले जा रहे हैं, पैसा ले गवा है पैसा देना ही हुआ तो गए, ऐसा है इनके ऐसे लंदा पकड़ना सब दिन रही हैं और ये भटमंगा।